हिसाब से लगाने तो इसमें तो नियत ठीक नहीं है भाई। अगर अपने हिसाब से इलेक्शन है इसका नाम, तो इलेक्शन में हर वोटर को अपनी वोट देने का हक हासिल है, छोटा हो या बड़ा हो, और सबके वोट की कीमत बराबर है। अगर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर भी है या चीफ मिनिस्टर है, कुछ भी है, और एक गरीब आदमी है, वोट की कीमत तो सबकी बराबर है। तो इसलिए इसमें इस किस्म की कोई पॉलिसी कि हम आने वाला इलेक्शन है, गवर्नमेंट हमारे हाथ में है, तो हम अपने हिसाब से लगा दें जो हमारा फेवर करें, वो उससे इलेक्शन ईमानदारी से नहीं हो सकता। इसलिए इलेक्शन को ईमानदारी से, आज भी मैं कहता हूँ कि इलेक्शन ईमानदारी से कराओ, ईमानदारी से होना चाहिए। और ईमानदारी से होना यही है कि जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने ऑफिसर हैं, ये सब हैं। इस वक्त हमारे सामने इलेक्शन कराने की टीम जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है, और वो उसका इंतज़ाम करते हैं। उनके हाथ में मुकम्मल पूरे यानी जिम्मेदारी के साथ उन्हीं के हाथ में उसका निज़ाम रहना चाहिए, और उनकी नीयत भी ठीक रहनी चाहिए। वो ये समझ कर कि भाई ठीक है, कौन इसमें जीतेगा कौन हारेगा ये अलहदा बात है, तो लेकिन इसमें उन्हें किसी भी पार्टी या किसी के आदमी की अपनी तरफ से मदद नहीं करनी चाहिए, और न इसमें कोई बेईमानी होनी चाहिए। तो अगर नियत बेईमानी की है, हम पहले से अपने आदमी लगा रहे हैं वहाँ पर, तो इलेक्शन इंसाफ से कहाँ होगा, ईमानदारी से नहीं होगा। इसलिए अब जब इलेक्शन की जिस दिन डेट आ जाए, उस दिन के बाद में गवर्नमेंट को ये इख्तियार नहीं होगा कि किस आदमी को कहाँ लगाएगी, बगैर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मर्जी के।